Bismillahir Rahmanir Raheem. Alaikum, students. This is your English lesson. Today we are going to discuss worksheet number three of verb. Question number one choose the correct verb to complete the sentences. Two options are given for each sentence one is correct and the other is incorrect. You will choose the correct one and write on the blank over here.

T consonant है दैट्स why we'll add एस टू wants. सो यू राइट here wants. ही He डैश writes स्टोरीज आपको बताया था कि अगर आपके पास वर्ब के एंड पर एस एच सी एच ओ एक्स और डबल एस हो तो फिर आपने ई एस लगाना है अदरवाइज़ आपने सारे वर्ब्स के साथ एस ही लगाना है एक्सेप्ट वाई वर्ड्स जो वाई वाले हैं उनका केस अलग है लेकिन बाकी जो है वाई के अलावा है उनमें आपने अगर आपके पास वो सी एच एस एच और एक्स और डबल एस और जी भी आता है कुछ वर्ड्स के एंड पे तो उनमें आपने ई एस एड करना है अदरवाइज़ एस लगाना है आपने अब देखिए इसमें बेस वर्ब हमारे पास क्या है राइट डब्ल्यू आर आई छ राइट ठीक है ई पे आपका वर्ड ख़त्म हो रहा है अब इसमें देखिए कि अब इस पे आपके पास उस कॉम्बिनेशन में से कोई भी वर्ब नहीं आ रहा वर्ड नहीं आ रहा लेटर नहीं आ रहा जिसमें हम ई एस एड करते हैं वो कॉम्बिनेशन कौन सा है वो ग्रुप कौन सा है एस एच सी एच ओ एक्स डबल एस एंड जी अब इसलिए हम इसके आगे जस्ट एड एस ही एड कर देंगे सो ही राइट्स स्टोरीज माई सिस्टर डैश ग ओ बेस वर्ड इज गो अब लास्ट लेटर इज ओ तो आप चेक करें कि इस ग्रुप में ओ आता है जो आपको टीचर ने बताया सो so, और उस ग्रुप में आता है इसलिए हम इसके आगे ई एस एड करेंगे एस एड नहीं करेंगे हर वर्ड को आपने हर वर्ब को आपने एनालाइज करना है देखना है क्रिटिकली देखना है उसको कि लास्ट में कौन सी साउंड आ रही है अगर तो वो उस ग्रुप में से आ रही है ई एस वाले ग्रुप में से आ रही है तो फिर आपने उसके आगे ई एस एड कर देना है अगर वाई वाला वर्ड है तो फिर वाई में भी टू डिफरेंट रूल्स हैं फर्स्ट रूल कौन सा था अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है देन यू विल रिमूव वाई एंड ऐड आई एस एंड इफ देर इज वाउल प्लस वाई देन यू विल राइट जस्ट एस शी डैश प्रेफर्स प्रेफर्स देयर आर टू टू वर्ड्स प्रेफर्स वन इज विद एस एंड द अदर इज विद ई एस ठीक है हमारा बेस वर्ड आर साउंड पे एंड रह, uh, हो रहा है उसके आगे हमने एस लगाना है या ई एस ये अब आप ख़ुद चेक कीजिए कि ये कौन सी साउंड है जी ये कंसोनेंट साउंड है आठ ठीक है तो इसलिए हम इसके आगे एस लगाएंगे ई एस नहीं लगाएंगे द सन सेट्स सेट इज सेट्स इन वेस्ट अब इसमें देखिए लास्ट साउंड है जो कि हमारे ई एस ग्रुप में नहीं है इसलिए हम इससे इसके सामने सिर्फ एस ऐड कर देंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट सो करेक्ट आंसर आर वांट्स राइट्स गोस प्रिफर्स सेट्स शीट टीचेस टीच बेस व बेस टीच लास्ट लेटर्स आर सी एच छउ अब आप बताइए कि च हमारे उस ग्रुप में शामिल है जी बिल्कुल च हमारे ग्रुप में शामिल है ई एस वाले ग्रुप में सो दैट्स वे वील एट ई एस टू टीच सो करेक्ट वर्ड इज टेचिज दिस वन इज़ करेक्ट ही डैश कैचिज कैच अगेन चर्स आउंट एट द एंड ऑफ कैच सो कैच विल एड कैचिस ई एस विल एड ई एस टू मेक इट कैचेस क्लियर क्योंकि सी एच हमारे ई एस ग्रुप में शामिल है ईट्स इटेस ग्रास अब आप देखिए ईट्स में थर साउंड है लास्ट में ईट थेंट एंड दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ई एस ग्रुप में भी ये शामिल नहीं है सो विल जस्ट राइट एस शी स्टडीज वाई इसमें यूज हो रहा है स्टडी एस यू ड वाई स्टडी अब इसमें वाई से पहले अगर हम देखें हमारा बेस वर्ड क्या है s एस टी यू डी आगे y है जो कि ख़त्म किया हुआ है इसको तो हमारा बेस वर्ड y पे ख़त्म हो रहा है और y से पहले हमारे पास d आ रहा है d इज़ अ कंसोनेंट सो इसका रूल क्या होता है कंसोनेंट प्लस y का कंसोनेंट प्लस y का रूल होता है कि हम y को ख़त्म करते हैं और आगे आई ई एस एड करते हैं सो आवर करेक्ट आंसर इज़ स्टडीज़ इसको रीड्स नहीं कहते स्कूल में जो रीड करना होता है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट रीड मीन्स दैट यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर कंटेंट आप कोई ख़ास चीज़ कोई बुक कोई मैगज़ीन कोई स्टोरी जब रीड करते हैं तो उसके लिए हम रीड वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन जो जनरल स्टडी होती है स्कूल में ओवरऑल उसके लिए हम स्टडी वर्ड यूज करते हैं रीड नहीं ये नहीं कहते आई रीड इन क्लास सिक्स आई स्टडी इन क्लास सिक्स शी स्टेज स्टेज एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन अब स्टे वाई पे एंड हो रहा है वर्ड हमारा और वाई से पहले वाउल लेटर आ रहा है तो वाउल प्लस वाई का रूल क्या है जस्ट एड एस टू इट ठीक है ऊपर हमने इस एग्जाम्पल में क्या सीखा कि वाउल कंसोनेंट प्लस वाई इसमें क्या था कंसोनेंट प्लस वाई इसलिए हमने आई एस लगा दिया लेकिन इसमें वाउल प्लस वाई इसलिए जस्ट एस एड कर दीजिए सो द करेक्ट आंसर इज स्टेज सो लेट सर्कल और ऑल द करेक्ट आंसर्स टीचेस कैचेस ईट्स स्टडीज stays question number two add s e s i e s to the verbs and complete the sentences my aunt live the verb is given in the bracket at the end of sentence this is uh, अब इट इंडिपेंडेंट वर्क एंड आई एक्सप्लेन जस्ट वन आर टू ब्लैंक्स द रेस्ट यू विल डू योर सेल्फ माई आंट डैश इन लाहौर लिव लिव इज दर्क सो ई इट्स लास्ट साउंड इज ईज नॉट पार्ट ऑफ ई एस ग्रुप जो ई एस का ग्रुप है हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन हैं लेटर्स के उसमें ई शामिल नहीं है

so rest you will uh, do yourself and get it checked by your mom and you can also forward to your teacher for checking this is also uh, the second part of this question and that's end today so i have explained the uh, fill in the blanks to you for your guideline इसका पर्पस ये नहीं है कि आप यहाँ से देखें और साथ वर्कशीट रखें और जैसे जैसे मैम बोलती जाती हैं उसको फिल करें दैट्स नॉट द वे आपने इस तरह से नहीं करना आपने जस्ट एक दफ़ा वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए पहले भी आपको सारे रूल्स बहुत दफ़ा रिपीट किए जा चुके हैं आज फिर आपको बता दिए हैं तो आप इसमें जस्ट वीडियो को वॉच करेंगे उसमें से कुछ इमेजेस कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रह जाएगी वीडियो को आप बंद कर देंगे और उसके बाद खुद बैठ के इंडिपेंडेंटली सारी वर्कशीट सॉल्व करेंगे उसकी चेकिंग के लिए आप फिर दोबारा से वीडियो को ऑन करेंगे और फिर उसके साथ लेक्चर के साथ टैली करके आप उसको चेक कर लेंगे ऐसे नहीं करना कि साथ ही वीडियो खोलें और साथ ही आप वर्कशीट रखें और सुन सुन के सॉल्व करते जाएं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए न, आ, सही तरीका नहीं है ठीक है आपने वीडियो को बंद करके सॉल्व करके दोबारा से चेक करना है थैंक्स लॉट